और मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, यानी बतौर वो मुख्यमंत्री तो है ही, वित्त मंत्री भी हैं, तो पहला बजट उन्होंने सरकार बनने के बाद पेश किया और आज दूसरी बार मौका होगा कि वो बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इस बजट पर ना सिर्फ आम लोगों की बल्कि अर्थशास्त्रियों की भी नजरें हैं विशाल, क्योंकि सरकार भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, तो ये बजट कैसा होगा सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। और लोगों की भी बजट से ढेरों उम्मीदें हैं, उम्मीदें इसलिए हैं कि लोगों को लगता है कि चूंकि जो सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था गारंटियों का, उनमें से सारी गारंटियां अभी पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार दबाव भी बनाता रहा है, तो ऐसे में लोग अब इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ गारंटियां शायद सरकार जरूर पूरी करें। बिल्कुल, और इस बजट में पर्यटन से लेकर महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है, ये उम्मीद है। युवाओं के लिए बजट में स्टार्टअप योजना के विस्तार पर भी कुछ प्रावधान किया जा सकता है। वहीं कर्मचारी वर्ग जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए भी कुछ प्रावधान की उम्मीद है। और प्रावधान ही के साथ साथ आपको बताया कि प्रावधान होंगे ही या नहीं होंगे ये एक सवाल है, लेकिन जो कर्मचारियों को उम्मीद है कि जो 12% महंगाई भत्ता में से 4% को देने की घोषणा की गई थी, जो पहले बजट में हो सकती की नहीं की गई थी, तो इस बजट में क्या वो हो सकती है, क्या ये घोषणा होगी? और साथ ही साथ जो एरियर की जो जो किस्त है उसके लिए भी उम्मीदें हैं कर्मचारियों के, क्या इस बजट में सुक्खू सरकार एरियर भुगतान का भी कोई प्रावधान करने जा रहे हैं? बिल्कुल, और साथ ही साथ दूसरे बजट में 3 गारंटियों को पूरा करने की घोषणा हो सकती है। हालांकि जो 10 गारंटियां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव के दौरान दी थी, उसमें से 3 सरकार ये दावा करती है कि पूरी हो चुकी हैं, जिसमें ओपीएस है, महिलाओं को 1500 रुपये, लेकिन उसके अलावा जो 3 अन्य गारंटियां हैं, जो एक नौकरी की है, दूसरी दुग्ध और गोबर खरीदने वाली जो गारंटी है, माना यह जा रहा है कि उन 3 गारंटियों को पूरा करने को लेकर कोई रूपरेखा इसमें तैयार की जा सकती है। दूध और गोबर खरीद प्रमुखता से जिसमें शामिल है। तो आपको ये बता दें कि जो मौजूदा वित्त वर्ष में बजट जो था वो है 53,417 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 53,417 करोड़ रुपए का। तो दूसरा बजट 7,000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो तकरीबन 7,000 करोड़ पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में जो बजट का आकार है वो बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात देखने वाली होगी, चूंकि सरकार जो है वो आई ही थी तो ये कहते हुए आई थी कि जी हम कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, ऐसे में कर्ज फिर इस सरकार ने भी लिया है, तो अब अगर ये बजट का आकार बढ़ता है तो ये जो बोझ है वो किस तरह से सरकार आगे बांटेगी। बिल्कुल विशाल, और इस बीच क्योंकि सरकार की बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने का सपना देखा है, साल 2027 तक ग्रीन राज्य बनाना और साल 2036 तक हिमाचल प्रदेश को अमीर राज्य बनाना, इस तरह की घोषणाएं, इस तरह का जो सपना मुख्यमंत्री ने देखा है, लेकिन मौजूदा समय में जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी है, कहीं ना कहीं बजट से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। 80,000 करोड़ से ज़्यादा का मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज है। ऐसे में क्या हम ये मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बहुत सी रियायतें मिल सकती हैं या बहुत सी सौगातें मिल सकती हैं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि कुछ कठोर निर्णय भी मुख्यमंत्री को लेने होंगे, यानी कि फ्री बीज से थोड़ा सा किनारा करना होगा। जाहिर है जैस्मिन, चूंकि ये चुनावी वर्ष विधानसभा के तौर पर तो नहीं है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है वो भी एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में ऐसा समझा जा रहा है कि शायद चुनावी झलक कुछ हद तक इस बजट में दिखे। जिनका जवाब सुक्खू सरकार के दूसरे बजट से मिलेगा, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को विधानसभा में पेश करेंगे। सरकार के सपने तो बड़े हैं, व्यवस्था परिवर्तन का नारा भी बड़ा है, ग्रीन हिमाचल का लक्ष्य भी बड़ा है, और उससे भी बड़ा है 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल और 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का संकल्प। मगर सवाल है कि करीब 81,000 करोड़ के बोझ तले दबी सुक्खू सरकार कैसा बजट पेश करेगी, जिससे लक्ष्य को हासिल करते हुए
हर वर्ग की उम्मीदें भी पूरी हो सके। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, लोगों की अंतिम आवाज़ को पहचान कर हम अपना बजट का प्रोविजन करते हैं। साल 2023-24 के लिए सुक्खू सरकार ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें सबसे ज्यादा जोर ग्रीन हिमाचल और टूरिज्म सेक्टर पर था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार मुख्यमंत्री 56,000 करोड़ का बजट पेश कर सकते हैं, जो पिछली बार की तरह ही ग्रीन बजट हो सकता है। सरकार का सोलर एनर्जी और किसानों पर विशेष जोर होगा, साथ ही महिला, युवाओं, बुजुर्गों और बेसहारा लोगों के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। मगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि पिछले बजट में 30,000 नौकरियों सहित जो बड़े ऐलान हुए थे उनका क्या हुआ? 10 गारंटी दी थी, 10 गारंटी में से एक भी गारंटी पूरी नहीं। अधिकांश गारंटियां जो है एक दो गारंटियों के सिवाय कोई भी गारंटी का जिक्र ही मतलब छुआ तक नहीं है। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी उनसे अपना किनारा कर दिया है, क्या वो छोड़ दी है? ऐसे कुछ सवाल जनता के मन में थे और सुक्खू सरकार के बजट से ढेर सारी उम्मीदें भी। उद्योग क्षेत्र रियायतें चाहता है, किसान फसलों की सही कीमत चाहते हैं और युवा रोजगार चाहते हैं, तो बहुत उम्मीद लगाकर 17 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।